नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम आपके लेकर आए हैं सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन में निकली हुई भर्ती के बारे में। सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन में भर्ती निकली है और इस पोस्ट को यदि आपको अप्लाई करना है तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी बताएंगे कि आप किस तरीके से इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो और जॉब पा सकते हो जो कि सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन में हो रही है। आगे बढ़ने के पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इस लाल सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, क्योंकि यदि आप बेल आइकन को प्रेस करोगे तो ही आपको जॉब्स के जो अपडेट्स है आते रहेंगे, वरना आपको जॉब्स के जो अपडेट्स है नहीं आएंगे और आप लेटेस्ट वैकेंसीज से वंचित रह सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो सेवाकोर यानी कि सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन में भर्ती निकली है और ये जो भर्ती है बड़े पैमाने पे हो रही है। यदि आपको इस पोस्ट को अप्लाई करना है तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो भर्ती है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के पोस्ट के लिए हो रही है। नंबर ऑफ वैकेंसीज 571 पोस्ट है। पे स्केल आपको 10,500 से 14,000 प्रति माह मिल जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए आपको मिनिमम ग्रेजुएट पास होना जरूरी है और इक्वेलेंस क्वालिफिकेशन के उम्मीदवार इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर ग्रेजुएट पास होना मिनिमम जरूरी है और पोस्ट ग्रेजुएट तथा एमएससी बीटेक के उम्मीदवार भी इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। 18 से अधिकतम 28 और अधिकतम 30 साल के उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं। शेड्यूल कास्ट कैटेगरी कैंडिडेट्स एंड एससी एसटी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 3 साल का और पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर रखा गया है। सिलेक्शन प्रोसीजर ऑनलाइन टेस्ट तथा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के द्वारा होने वाला है। अप्लीकेशन फी आपको यहाँ पर भरनी है। जनरल और ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 1,000 रुपये यानी 1,000 रुपीज अप्लीकेशन फी है और एक्स सर्विसमैन तथा वुमेन्स कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 300 रुपये अप्लीकेशन फी यहाँ पर रखी गई है। स्टार्टिंग डेट अप्लाई करने के लिए 15 फरवरी 2019 है और 15 फरवरी से 16 मार्च तक आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो आपका अप्लीकेशन जो है स्वीकारा नहीं जाएगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए जैसे आप क्लिकर पे क्लिक करोगे जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ओपन हो जाएगा। मैनेजमेंट ट्रेनिंग जनरल की जो वैकेंसी है इसे यदि आप अप्लाई करते हो तो आपको 50,000 से 1,60,000 तक वेतन मिल सकता है और साथ ही साथ और भी अलाउंस है जिनका आप लाभ उठा सकते हो। असिस्टेंट इंजीनियर के लिए 40,000 से 1,40,000 तक वेतन है। असिस्टेंट इंजीनियर के लिए भी यहाँ पर आप देख सकते हो सेम वेतन है, तो कुछ लाख तक आपको वेतन मिल रहा है, 1,40,000-50,000 ऐसा वेतन है यहाँ पर। तो जो भी हमारे उम्मीदवार अप्लाई करना चाहते हैं इस पोस्ट को जरूर अप्लाई करें और यहाँ पर आप देख सकते हो अच्छा खासा आपको वेतन तथा एज लिमिट भी अच्छी खासी है, तो बहुत से एज के उम्मीदवार इस पोस्ट को अप्लाई कर सकेंगे। जनरल नोट है मिनिमम एज टू अप्लाई 18 ईयर्स है और अधिकतम 30 साल के उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हो और भी यहाँ पर डिटेल्स बताए गए हैं। ऑनलाइन टेस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है आपका और 15 फरवरी से 16 मार्च तक आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। तो जल्द से जल्द आवेदन कर आपका अप्लीकेशन निश्चित करें और साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट की भी लिंक दी गई है जिस पर आकर आप इस जॉब के संबंधित पूरी जानकारी प्राप्त कर आसानी से प्राप्त कर सकते हो जॉब की जानकारी और इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। तो जो भी हमारे उम्मीदवार अप्लाई करना चाहते हैं जल्द से जल्द आवेदन करें। आशा करते हैं दोस्तों वीडियो आपके पसंद आई होगी। ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक जरूर करिएगा और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। हम आपके साथ मिलेंगे ऐसे किसी और वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।